हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शिवराज सरकार अब हर जिले को अपनी खुद की पहचान से जोड़ने में लगी है और इसी कड़ी में हर जिले का गौरव दिवस मनेगा। ये गौरव दिवस उस जिले में किस महापुरुष के नाम पर होगा, इसे लेकर गफलत की स्थिति है। प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां निकायों ने तय कर लिया, लेकिन ग्वालियर इकलौता ऐसा जिला है जहां नाम को लेकर पेंच अब भी फंसा है और इसकी वजह है सिंधिया समर्थक, जो कि चाहते हैं ग्वालियर का गौरव दिवस सिंधिया परिवार के नाम पर हो। इधर बीजेपी और आरएसएस अटल जी के नाम पर यह दिवस चाहती है। कांग्रेस जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इसका नाम रखना चाहती है। अब ग्वालियर निकाय के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आखिर क्या करें, किसके नाम पर सहमति बने। जैसे मैंने कहा, बैठक में ये तय होगा कि कौन सा दिन उपयुक्त होगा ग्वालियर के गौरव के दिवस के रूप में मनाने के लिए, उस पर सबकी सहमति बनेगी, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। तो चूंकि अटल जी की जन्मस्थली कर्मस्थली ग्वालियर रही है और वे भारत रत्न हैं और उस प्रकार का नेता जो अटल जी का जो एक विराट व्यक्तित्व था, जो उनकी आभा थी, एक विश्व के नेता के रूप में जाने जाते थे, तो मेरा तो अभिमत मैंने दिया था कि ये गौरव दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की का जो जन्म दिवस है 25 दिसंबर, उस दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। लक्ष्मीबाई ने बलिदान दिया ग्वालियर की धरती पर, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी, तो जिसने बलिदान दिया वीरांगना ने, उसके नाम पर ग्वालियर में गौरव दिवस मनाना चाहिए।